अरमान जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जी हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जॉब के बारे में। ये 6 अगस्त को इनका एडवर्टाइजमेंट हुई है डॉन के न्यूज़पेपर में। सबसे पहले नंबर पर जी असिस्टेंट की है, 2 सीटें हैं, ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन और आईटी का 6 हफ्ते का ट्रेनिंग की हो। एक ओपन मेरिट की सीट है, एक सिंदार की सीट है, एज लिमिट 18 से 28 साल है। इसमें जी दूसरे नंबर पर स्टेनोटाइपिस्ट है, 7 सीटें हैं, क्वालिफिकेशन इंटर है और मिनिमम स्पीड उसकी 80 शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड 40 मांगी हुई है, कंप्यूटर जानता हो। एक ओपन मेरिट पे है, पंजाब के 3 हैं, पंजाब वुमेन की 1 सीट है, सिंध यू की भी एक है, सिंधार की भी एक है। एज लिमिट 18 से 25 साल है। डाटा एंट्री की 1 सीट है, इसमें जी सेकेंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में या फिर स्टैटिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स और मिनिमम स्पीड हो 10,000 की, डिप्रेशन पर और वो डाटा एंट्री वेरिफिकेशन में। जो ये सीट जी सिंधार की 18 से 25 साल एज लिमिट है। चौथे नंबर पर ड्राइवर की है, बीपीएस 4 है, 2 सीटें हैं, प्राइमरी पास क्वालिफिकेशन हो और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओपन मेरिट पे हैं दोनों सीटें, इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल है। पाँचवें नंबर पर डिस्पैच राइडर है, 1 सीट है, क्वालिफिकेशन प्राइमरी पास हो और इसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस हो। ओपन मेरिट पे इसकी एज लिमिट भी 18 से 30 साल है। छठवें नंबर पर जी नायब कासद है, इसकी 7 सीटें हैं, प्राइमरी पास होना चाहिए। इसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी की 3 सीटें हैं, लोकल बेस पे हैं और 2 सीटें माइनॉरिटी और डिसेबल के लिए हैं और 2 सीटें जी कराची की हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे लास्ट चौकीदार की है, बीपीएस 1 है, 2 सीटें हैं, इसके लिए प्राइमरी पास हो, एक इस्लामाबाद पिंडी की है और एक कराची की लोकल बेसिस पे है। इसके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है। तो आपने इस पे अप्लाई कैसे करना है उस बारे में आप इसके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। पेपरा की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल जॉब पोर्टल पर अगर आपने अकाउंट बनाया है वहाँ तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जी 21 अगस्त है। और अगर इसके अलावा आपने कोई और चीज़ कोई मसला है कोई और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा ठीक है ठीक है।